बीते दिन भारत बंद रहा, वजह थी SC ST रिजर्वेशन। दलित समाज के लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया, जिसका असर देश के कई राज्यों में देखने को मिला। पर गुरुवार को भारत बंद नहीं, केवल बनारस बंद है। जी हाँ, वाराणसी शहर के छोटे बड़े बाजारों के साथ स्कूल और कारखानों पर भी बनारस बंद का असर दिखा। आपके मन में एक सवाल होगा, आज क्यों? दरअसल बनारस बंद बांग्लादेश में हो रही हिंसा की वजह से हुआ। वाराणसी के लोगों ने हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समाज के लोगों के साथ बांग्लादेश में हो रही हिंसा का विरोध किया। अलग अलग जगहों पर व्यापारिक संगठनों के साथ हिंदूवादी संगठनों ने भी बनारस बंद का सपोर्ट किया। अखिल भारतीय संत समिति भी इस बंदी के समर्थन में खड़ी रही, जिसका असर आज बनारस के बाजारों में दिखाई दे रहा है। व्यापारियों ने सुबह से दुकानों पर ताला लगाए रखा। यहां लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला, जिससे बांग्लादेश हिंसा पर जागरूकता फैले। वाराणसी की नई सड़क गोदौलिया, सिगरा, सोनिया चौक, ठटरी बाजार समेत कई इलाकों में सुबह से दुकानें बंद कर दी गई थी। दर्जन भर व्यापारिक संगठन इसके समर्थन में हैं। इसके अलावा निजी स्कूल एसोसिएशन और सेंट्रल बार ने भी इसमें अपना समर्थन दिया है। इस आंदोलन का समर्थन कर रहे अजीत वंदे मातरम व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में कई धर्मों से जुड़े लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में आज हम सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है। वहां हिंदुओं पर भी बर्बरता हुई, बनारस बंद केवल एक चेतावनी है, हम आगे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भी लिखा जाएगा। मैं वंदे मातरम व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत, मैं पेंट व्यवसायी हूं और हम सभी आज बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के विरोध में सारे वाणिज्य प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्वेच्छा से बंद किया गया है। और हम सभी एक मैसेज देना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि सारे व्यापारी बंधु, सारे लोग जो निर्दोष हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके विरोध में हम सभी बंदी का आह्वान किए हुए हैं, जिसपे सारे व्यापारी बंधु स्वेच्छा से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करके हमारे सहयोग में हैं। और हम सभी यदि संभव हुआ तो एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय का अवश्य पत्र लिखेंगे, जिसमें हम लोग एक आग्रह करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक मैसेज जरूर जाए कि इस तरह से वहाँ हिंदू जो भले अल्पसंख्यक है मगर वो कमजोर नहीं है, हम सभी उनके साथ हैं। हम जरूर यथासंभव जैसी भी जो स्थिति होगी हम सभी उनके लिए मदद के लिए हर तरह से तैयार हैं। विरोध के रूप में हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से अपने वाणिज्य प्रतिष्ठानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्वेच्छा से बंद किया गया है। सभी से आग्रह किया गया कि वो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करें और सारे लोगों ने हृदय खोल करके उसका सहयोग किया। और हम सभी हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध ये धरना, प्रदर्शन, बंदी जिसे जो कह लीजिए, हम सभी सहयोग में हैं हिंदुओं के बांग्लादेश के, और यहाँ से बंदी का आह्वान करके उनके सहयोग में हैं। हाल ही में बांग्लादेश हिंसा पर एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया था, अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। अब शेख हसीना का दूसरे शहर में जाना और मुश्किल हो गया है। पासपोर्ट रद्द करने के पीछे की वजह, शेख हसीना के खिलाफ अब तक 44 आपराधिक मुकदमे बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और मुकदमे भी अभी दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में उन पर पाबंदी लगाने के लिए उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कर दिया गया है। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।